आइए आज हम आप लोग को टूर पे ले चलते हैं, बाइक से हैं अपने, और दिखाते हैं बगल के गांव में है सूर्य मंदिर। ये देखिए कितना अच्छा सूर्य मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर है, रथ लगा हुआ है, घोड़े हैं। ये गांव है बगल का अंधारी पंचायत, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने गाड़ी पे और अपने गांव की तरफ जाते हैं। रास्ते के में बाइक का आनंद उठाइए आप लोग। आज ब्लॉग में इतना ही रहेगा, बाइक टूर एक गांव से दूसरे गांव में। गाड़ी अभी 14 की स्पीड में है, ऊपर चढ़ाव है इसलिए थोड़ा कैमरा नीचे करना पड़ा। ये आ गए हम लोग हाईवे पे, देख रहे हैं ये हाईवे बना हुआ है। इधर सोन नदी है, ये सोन नदी हमारे गांव के बगल में, इसी सोन नदी के किनारे हमारा गांव है और यहीं पर हम लोग रहते हैं। बहुत ही मस्त इलाका है ये, बीच में गोवर्धन पहाड़ जहां कृष्ण भगवान पत्थर उठाए थे उसका पूजा होता है। ये चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और इस पर हाईवे निकला हुआ है। ये हाईवे पटना भी निकल जाता है, आरा भी निकल जाता है, सासाराम भी निकलता है, बीटा के साइड भी निकलता है और ये नासरीगंज भी निकल जाता है। इधर जाइएगा तो बहुत ही बेस्ट हाईवे है हम लोगों के लिए। आगे पहर जी का मंदिर है और इधर से टर्न लिए हमारा गांव, गांव की ओर हम हाईवे छोड़ के अपना टर्न ले लिए अपने गांव की ओर। यहाँ से हमारा गांव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए। चारों ओर खेत हरियाली छाई हुई है क्योंकि अभी अभी एक महीना पहले ही रोपनी हुआ है। ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लोग अपने गाड़ी पर लाकर खाद भी छींट रहे हैं खेत में। ये देखिए खाद छींटा रहा है, खाद। और साथ में सोहनी भी लगा हुआ है, घास में जो खेत में जो धान में घास हो जाता है उसको नोच के बाहर फेंका जाता है, वही हो रहा है वहां पे। देखिए सोहनी हो रहा है, आप लोग टूर का आनंद लीजिए। ये हमारे गांव का रोड, गांव का बोर्ड आने वाला है, देखिए। और यहाँ पर ये पंचायत का कचरा जमा होता है, सरकार के तरफ से बना हुआ है नगर निगम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। और ये हम अपने गांव की ओर आ रहे हैं। यहाँ पर एक मुर्गी फार्म है,
है।